किसान भाई कैसे हैं आप लोग? दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों खेती आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया होगा, बहुत तरीके का खेती किया होगा, लेकिन जो मैं वीडियो आपको इसमें दिखाने वाला हूं, जो हमारे रिपोर्टर पहुंचे हुए हैं किसान भाई के पास बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और एक किसान भाई है जहाँ पे जो है लाखों रुपए लगा चुके हैं अपने खेत में, साथ ही मतलब सरकार के द्वारा दिए हुए पैसे प्लस अपना पैसा दोनों मिला के जो है लाखों रुपए लगा चुके हैं खेती में, बीघा के बीघा खेती जो है कर रहे हैं, खास करके सब्जी वाली, मतलब जैसे कि खीरे की खेती हुआ या फिर शिमला मिर्च की खेती हुआ, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से। अगर आप एक किसान है, जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने, अगर आप एक किसान है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में भी लड्डू फूटेगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी चाहेंगे कि हमारे पास भी इस तरह की खेती होना चाहिए और लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रोसेस जानिए कि किसान भाई ने क्या कहा और हमारे रिपोर्टर ने क्या पूछा, और खेती बिल्कुल तरीके से जो है आपको दिखाएंगे बिल्कुल प्रैक्टिकली। तो बने रहिए हमारे साथ, आइए चलिए देखते हैं। जय फ्रेंड, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। आज हम एक किसान के पास आए हैं जो कि आपको बताएंगे कि कैसे कैसे खेती करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ बाउंड्री दिया हुआ है और यही किसान आपको बताएंगे कि कैसे कैसे खेती करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और क्या नाम है और अपना आपका क्या एड्रेस है वो बताइए। मेरा नाम आलोक मौर्य हुआ, जयनगर प्रखंड हुआ, मधुबनी जिला बिहार का निवासी। अच्छा, आप ये यानी बिहार के हैं और ये आपको बताएंगे कि कैसे खेती करते हैं, तो आप ये बताइए कि कैसे ये खेती किए हैं और ये जो आपका ये प्लांट है ये आप पर्सनल फंड से दिए हैं या गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई हेल्प मिला है, इसके बारे में बताइए। ये बिहार सरकार द्वारा ज्ञान पदाधिकारी जो जिला लेवल पे है उनके द्वारा जो है सो ये सिस्टम दिया जाता है। इसमें 75% सरकार का अनुदान है, 25% किसान को शेयर मनी जमा करना पड़ता है। तो ये नेट हाउस है, इसमें 50% का नेट लगा हुआ है जो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा जो है सो ये। इसमें खीरा का पौधा लगा हुआ है, शिमला मिर्च का पौधा लगा हुआ है, खीरा का पौधा और ये जो है तो शिमला मिर्च जो आप सब्जी में डालते हैं ये शिमला मिर्च का पौधा है, जो शिमला मिर्च का है वो खीरा है। ये जो लगाने के बाद जो मौसम का जो टेम्परेचर जब हाई होता है तो इसमें आपको नेट की वजह से जो 50% टेम्परेचर इनका डाउन हो जाता है। और दूसरी बात है कि इसमें फुहरा सब लगा हुआ है, टेम्परेचर जब ज़्यादा बढ़ता है तो फुहरा चलाने पर टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इसमें पानी कैसे डालते हैं पौधे में, पानी या फिर दवा छिड़काना छिड़काना यदि होता है तो फिर कैसे डालते हैं ये बताइए। दवा छिड़काने दवा तो स्प्रे से छिड़कते हैं, अब पानी का व्यवस्था ड्रिप माध्यम से इसके अंदर अंदर पाइप गया हुआ है। हाँ पाइप दिया हुआ है, वो पानी नीचे से चला जाता है। और फिर दवा छिड़काने के लिए दवा तो स्प्रे करना पड़ता है और वहाँ पे जो सिस्टम लगा हुआ है वो फर्टिलाइजर का सिस्टम लगा हुआ, जो भी मटेरियल इसमें डालना है वो फर्टिलाइजर सब उस टैंक में डाल के हम इसमें सप्लाई करते हैं। ये बताइए कि नॉर्मल किसान को आप क्या सलाह देंगे कि वो आप इस तरह के भी मतलब प्लांट लगा सकते हैं कि नहीं, मतलब कैसा इसमें कुछ विशेष रूल है ये सब बताइए। हम तो सलाह देंगे कि ड्रिप माध्यम से मल्चिंग लगा के ड्रिप द्वारा सिंचाई कीजिए। ड्रिप लगाने के बाद ये होता है कि समतल उबर खाबर जमीन भी हो सभी जगह एक 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 समान पैदावार, एक समान जो है सो पानी जाएगा, फर्टिलाइजर जो है सो हर पौधा के पास जाएगा। तो बिहार सरकार द्वारा इस योजना जो किसानों को दिया जा रहा है उसमें 90% तक अनुदान, तो हम तो किसान से किसान से इतना ही कहेंगे कि आप जो है सो ड्रिप लगाइए अपने खेत में, जो भी फसल लगाते हैं उसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है वो ड्रिप के माध्यम से आपको जो है सो बहुत लाभ जो है सो थोड़ा उत्पादन आप सोचे तो मैं किसी बात कर रहा हूँ। अच्छा वो जो मशीन लगा हुआ है, अच्छा ये मशीन के बारे में बताइए कि इसका क्या यूज है। इसका ड्रिप का सिस्टम बोला जाता है, एक चूरी है इसे मोटर के द्वारा पानी आता है इसमें और ड्रिप में जाता है, प्रेशर गेज है। जब हमें खाद देना होता है तो हम क्या करते हैं, ये भैन चूरी है, इस टैंक में हम अपना जो है सो फर्टिलाइजर को घोल देते हैं। हाँ जैसे 1900 हुआ और इसको घोल के इसमें जब हम मोटर का प्रेशर मारते हैं तो ये खाद उठा के जो है सो अपना जो है सो हर पौधा के पास पहुंच जाता है।
मतलब खाद भी कोई देना होता है तो इसी मशीन के माध्यम से आप देते हैं। हाँ, जैसे कि देख रहे हैं आप, ये पाइप डाला हुआ है, पाइप हर पौधे के जड़ के पास गया हुआ है और इस पाइप के माध्यम से खाद चाहे दवा ये सब इसी के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखा आपने